में जो जड़ी बूटी मार जहरे हैं वीडीसाइड, उनके इस्तेमाल के हवाले से दूसरी अहम बात, ये स्पेशली जो वीडीसाइड मतलब जड़ी बूटी मार जहरे हैं एडजुवेंट के साथ आती हैं ना जी, उनके तरीका इस्तेमाल में बेहतियाती हो, उनकी सही तरतीब से मिक्सिंग ना हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, सही तरतीब से मिक्सिंग ना हो और सही तरीके से स्प्रे ना हो तो बाज़ दफ़ा खुदा न खासा फसल को नुकसान हो जाता है। सही तरीका और सही तरतीब क्या है कि कम अज़ कम फील्ड में हम कहते हैं 8 टंकियाँ पानी तो आप स्प्रे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, मतलब कोई 120 लीटर पानी। करना क्या है कि एक प्लास्टिक टब में या बाल्टी में 8 गिलास साफ ताज़ा पानी के ले लें, और अब सबसे पहले असल जहर जो है एडजुवेंट नहीं, वो जो एक एकड़ की मकदार है वो उस टब में 8 गिलास पानी का जो टब है उसमें हल करने अच्छी तरह, उसके बाद असल जहर के बाद एडजुवेंट लें और वो सारा उस 8 गिलास पानी का जो महलूल है टब में या बाल्टी में उसमें हल कर लें अच्छी तरह। अब ये हमारे पास एक दवाई का महलूल तैयार हो गया स्प्रे के लिए। मैं दोबारा कह देता हूँ कि पहले आपने असल जहर मिक्स करना है उसी टब में, उसके बाद एडजुवेंट, ये तरतीब रखनी है। अब करना क्या है कि इस तैयारशुदा महलूल में से एक गिलास महलूल का लेना और स्प्रे टैंक जो है उसको आधा भर लेना, खाली में नहीं डाल देनी, आधा पानी से भर लेना, उसमें ये एक गिलास महलूल का डाल के उसको अच्छी तरह हिला लेना, और ना ये करना कि पूरा फिल करने के बाद टैंक को उसमें दवाई डालें। अच्छा, जब उस तरह आधी टैंकी में महलूल अच्छी तरह हल कर लिया तो अगेन उसको फिल कर दें, अब दोबारा पानी से टॉप तक जहां तक निशान लगा होता है उसको फिर अच्छी तरह हिला लें, उसके बाद स्प्रे आपने करना है। फ्लड जेट नोजल इस्तेमाल करें या फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें, ये मिक्सिंग की ये तरतीब आपने जहन में रखनी है, फार्मर को एजुकेट करना है। आई रिपीट, अल्लाह ना करे वरना फसल का नुकसान होता है, केमिकल इंजरी आ जाती है।